कहा गया है ना कि अंत भला तो सब भला। लंबी जद्दोजहद और बातचीत के बाद चिराग पासवान ने आखिरकार बीजेपी को टाइम दे ही दिया। चिराग बीजेपी के निमंत्रण पर 3 दिसंबर को कुरहनी में चुनाव प्रचार करने जाएंगे। बता दें कि कुरहनी में 3 दिसंबर की शाम को ही चुनाव प्रचार खत्म होने वाला है। चिराग कुरहनी में सिर्फ एक जनसभा को संबोधित करेंगे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी चिराग से कुरहनी में 2 दिनों के लिए प्रचार करना चाह रही थी। बीजेपी चाहती थी कि चिराग दोनों ही दिन कुरहनी के अलग अलग इलाकों में रोड शो करे। बीजेपी को उम्मीद थी कि चिराग के रोड शो करने से पार्टी हर इलाके के मतदाताओं को साध सकेगी। पार्टी को भरोसा था कि चिराग अगर रोड शो कर दे तो खासकर दलित और युवाओं का सपोर्ट बीजेपी को मिल जाएगा, लेकिन चिराग ने सिर्फ एक ही जनसभा करने की मंजूरी दी। बता दें कि कुरहनी में सत्ताधारी जदयू और मुख्य विपक्षी दल भाजपा के बीच सीधी लड़ाई होने की बात कही जा रही है। कुरहनी उपचुनाव में दोनों तरफ से मतदाताओं को साधने के लिए जोर आजमाइश की जा रही है। महागठबंधन की ओर से सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी ने मोर्चा संभाला हुआ है, तो बीजेपी के भी प्रदेश स्तर के लगभग सभी बड़े नेता कुरहनी का दौरा कर चुके हैं। हालांकि बीजेपी अभी तक अपने प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं दिख रही है। बीजेपी नेताओं को लंबे समय से चिराग पासवान का इंतजार था। चिराग से बीजेपी को चमत्कार की उम्मीद है, क्योंकि गोपालगंज और मोकामा उपचुनाव में चिराग के प्रचार करने से बीजेपी के वोट परसेंटेज में काफी इजाफा हुआ था। बीजेपी को भरोसा है कि कुरहनी में चिराग के आने से पार्टी की जीत सुनिश्चित हो जाएगी। लंबी बातचीत के बाद चिराग ने भी बीजेपी को आखिर का टाइम दे ही दिया। भाजपा उम्मीदवार केदार गुप्ता के लिए कुरहनी उपचुनाव में प्रचार के आखिरी दिन चिराग पासवान प्रचार करने जाएंगे। पार्टी के प्रदेश इकाई की ओर से भी इसकी पुष्टि कर दी गई है। 3 दिसंबर को कुरहनी में चिराग पासवान जनता से एनडीए की तरफ से भाजपा उम्मीदवार केदार गुप्ता के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। इसके अलावा लोजपा के करीब 2 दर्जन स्थानीय नेताओं को चुनाव प्रचार का जिम्मा सौंपा गया है, जो केदार गुप्ता के लिए वोट मांग रहे हैं। बता दें कि कुरहनी में 5 दिसंबर को चुनाव है। कुरहनी में जदयू के मनोज कुशवाहा का मुकाबला भाजपा के केदार गुप्ता से है। साथ ही बीआईपी के मुकेश सहनी ने यहां से नीलाब कुमार को उम्मीदवार बनाया है। इसे यहां मुकाबला काफी रोचक माना जा रहा है। कुरहनी में कुल 13 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है। यहां 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और चुनाव परिणाम 8 दिसंबर को आना है। जातीय समीकरणों के हिसाब से कुरहनी में पासवान जाति के मतदाताओं को साधने की कोशिश के तहत चिराग पासवान वहां वोट मांगेंगे। साथ ही बीजेपी को भरोसा है कि चिराग के आने से युवा मतदाता भी बीजेपी की तरफ गोलबंद हो जाएंगे। बता दें कि चिराग ने इससे पहले 3 नवंबर को संपन्न मोकामा और गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव के दौरान भी बीजेपी उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार किया था। इसका व्यापक असर भी देखने को मिला था। दोनों जगहों पर बीजेपी को पासवान बहुत इलाकों में प्रभावशाली वोट आया था। साथ ही युवाओं का भी भरपूर सपोर्ट मिला था। इसके पीछे बड़ा कारण चिराग पासवान के प्रचार को माना गया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि कुरहनी में चिराग के प्रचार करने से पार्टी को क्या फायदा होता है। गांव तक बिहार की रिपोर्ट। अब ऑर्गेनिक तरीके से रखें खुद के साथ किचन के बर्तनों और बाथरूम के टॉयलेट का ख्याल। अकासा लेकर आया है ऑर्गेनिक हैंड वॉश, शैम्पू, टॉयलेट क्लीनर के साथ ढेर सारे प्रोडक्ट जो करे आपका और आपके घर का कंप्लीट केयर।